what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people. Please, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और मैंने जैसा बताया है, किसी की बातों में नहीं आना है. अगर आपको ईपीएफ निकलवाना है तो मेरा नंबर नीचे व्हाट्सएप दिया हुआ है, भरोसा हो तो आप दीजिए. हालांकि किसी को अपनी बैंक की जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए और ना ही करें और ना ही किसी को ओटीपी बताएं, पर मेरा काम ही यही है ईपीएफ निकलवाना. ईपीएफ कंसल्टेंसी सर्विस है एम एसोसिएशन की. और किसी की फालतू बातों में मत पड़िए, बार बार ये वीडियो वो वीडियो, पासबुक, मार्च, यूएन, क्या करूं, मेरे 2 UN हो गए, ऐसा कुछ भी कोई भी परेशानी की बात नहीं है. मैंने आपको सब पूरी बता चुकी है. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है. और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक लेटेस्ट वीडियो एक बेहतर जानकारी के साथ मिल सके. रही बात अब पीएफ की, तो पीएफ के विषय में कितने लोगों के अनेक अनेक प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जिसको वो अलग अलग तरीके से बताते हैं और पूरी चीज़ नहीं बताते हैं, वो अलग अलग चीज़ बताते ताकि हम उनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें. फिर वो बोलेंगे कि आपको इस बारे में जो जानकारी है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो पर मिलेगी. फिर वो बोलेंगे ये वाली जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी. सीधा सा मेरा ये कहना है कि आप फालतू की बातों में मत पड़िए. जिसका ईपीएफ कटता है वो अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपने आधार के हिसाब से डिटेल डलवाए, ईपीएफ प्रोफाइल में अपने आधार के हिसाब से डिटेल पूरी सेम टू सेम डलवाए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, एड्रेस, ये पीएफ में डलवाना बहुत ज़रूरी है. फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर को आप लिख सीट करा लीजिए, पैन कार्ड को सीट करा लीजिए. आप ऐसे अगर आपने बिल्कुल सेम टू सेम आधार के हिसाब से आपने नाम स्पेलिंग डलवाई हुई है, फिर पैन कार्ड डलवाया हुआ, फिर बैंक अकाउंट नंबर डलवाया हुआ है, आपको कभी दिक्कत जाएगी ही नहीं, कभी भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी. मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, आधार के हिसाब से नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये डलवाइए. और अगर आप कहीं और नौकरी करने जाते हैं तो आप उसी यूएन नंबर को आपको देना है, वो ट्रांसफ़र कर लेगा. बशर्ते ये होगा कि एक ही यूएन नंबर पे 2 खाते शो करेंगे तो दोनों को मर्ज कर लो, दोनों अकाउंट को मर्ज कर लो, फिर पूरा पैसा निकाल लो. आधार पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि लास्ट स्टेप पे जब आप ऑनलाइन विड्रॉ करते हैं तो आधार पे मोबाइल नंबर जो सीड होता है उसी पे एक ओटीपी पूछा जाता है जो 6 अंकों का होता है, उस पे आता है और आपकी क्लेम पूरी कर दी जाती है. कभी कभी क्लेम क्या होता है, हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे 3 से 4 दिन के अंदर पैसा आ जाता है, लेकिन और अदर स्टेट में शायद 15 दिन, जो जैसा रहता है अपने अपने नियम और टाइमिंग के हिसाब से वो पैसा दे देते, लेकिन आ जाता है. लेकिन अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच पाया जाता है, जैसे आधार के हिसाब से प्रोफाइल पर फीड नहीं है, तो आपका आधार लिंक ले गए नहीं, अनवेरीफाइड बताएगा. आप किसी भी पंचायत पर मत फंसिए. मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर. अगर किसी को ईपीएफ निकलवाना हो या भारी समस्या हो तो आप मेरे से कंसल्ट कीजिए, मैं आपका ईपीएफ निकलवा दूंगा, आपके खाते में आपका ईपीएफ चला जाएगा. हालांकि किसी भी व्यक्ति को अपने ओटीपी की जानकारी नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं एक लीगल पर्सन हूँ. आप चाहे तो मेरा ईपीएफ कंसल्टेंसी सर्विस चलती है, मेरी ऑफिस है मध्य प्रदेश में, मलिक एसोसिएशन करके. मैं ईपीएफ के 450 केस जो है मंथली में निकलवाता हूँ. मैं कई बड़ी बड़ी कंपनियों का पूरा मैं हैंडओवर लेकर रखा हुआ हूँ, चालान बनाना, ईएसआईसी का काम करना, पीएफ का काम करना. बिल्कुल मत घबराइए, आप किसी ऐसे वीडियो के चंगुल में मत पड़िए. आप देखते हैं वीडियो, फिर आप समझते हैं, फिर आप पूछते हैं सर मेरा ये है वो है. अरे इतनी परेशानी, सीधा सा फंडा आधार के हिसाब से प्रोफाइल में सीड होना चाहिए ना, ईपीएफ प्रोफाइल में आधार के हिसाब से स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ये सब होना चाहिए. अपने प्रोफाइल में अपनी फ़ोटो लगवा लीजिए, मोबाइल नंबर डलवा लीजिए, आधार पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए. ऑनलाइन क्लेम जब करते तो आधार पे ओटी आधार पे जो सीडेड जो मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी आता है.
किसी भी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 10 कंपनियों में आप काम करिए, पर वही एक ही यूएन नंबर आपको देना है, वो ट्रांसफ़र करता चला जाएगा, बशर्ते आपका जो है खाते ज़्यादा बन जाएंगे। यानी जब आप पासबुक निकालेंगे तो ज़्यादा 2-3 पासबुक, 5 पासबुक, 6 पासबुक हो जाएंगे। मेरे पास तो एक ऐसा केस है जिसके शायद 12-13 पासबुक थे, पर एक ही यूएन नंबर, सबको इकट्ठा मर्ज कर लीजिए। जब पूरा मर्ज कर लेते हैं तो फिर बाद में आप कोई भी पैसा भर सकते हैं।